हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर क्लासेस लर्न एंड मोटिवेट। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 बुक के कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है को पढ़ेंगे, जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो मंजिल है, हमारा पथ है, उसमें कहीं अंधकार ना हो जाए, चलते चलते कहीं अंधकार ना आ जाए। मंजिल भी तो अब दूर नहीं है, हम मंजिल के करीब हैं। यही सोच थका दिन का पंथी, अर्थात जो पंथी, जो राही चल रहा है, उसके मन में ये सोच आता है कि मंजिल भी दूर नहीं है और अब अंधकार भी आ रहा है। ये सोच के कारण वह जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में पक्षियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे यानी कि जो चिड़ियां यहाँ हैं, चिड़ियों के बच्चे आशा में होंगे। किस बात का? कि उन्हें स्नेह मिलेगा, खाना मिलेगा, प्यार मिलेगा, अपने प्रियजन से मिलने की आशा में होंगे। नीड़ों से अर्थात पेड़ की डालियों से झांक रहे होंगे, पत्तों के बीच से झांक रहे होंगे उनके प्रियजन आए कि नहीं, माता पिता आए कि नहीं। और यही सोच जो चिड़ियां हैं, उनके माता पिता, उनके पर में चंचलता भरता है और वो तेजी से आते हैं इस सोच कर अपने प्रियजन से मिलने के लिए। चंचलता के साथ जल्दी आते हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। प्रश्न शिथिल करता पथ को, भरता उर्मे विलहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पर यहाँ कवि कह रहा है कि उसके लिए कौन व्याकुल है, उससे मिलने के लिए कौन इतना उत्सुक है, वो किसके लिए अपनी चंचलता दिखाए, किसके लिए अपनी श्रीकता दिखाए। उसका तो कोई प्रियजन है ही नहीं, उसकी तो कोई मंजिल है ही नहीं, वो तो अकेला है इस संसार में। यही प्रश्न कि वो किसके लिए व्याकुल है, किसके लिए श्रीकता दिखाए, यही प्रश्न उसके पद को, उसके रफ्तार को धीमी कर देता है और उसके हृदय में निरसता को भरता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ हम लोग को समय का महत्व बताया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण, और हर किसी के जीवन की एक पहलू को बताया गया है कि हर पंथी को अपने मंजिल को पाना है, चिड़ियों को प्रियजन से मिलना है। पर कवि बता रहा है कि उसके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए वो व्याकुल हो, जिसके लिए वो उत्सुक हो। वह अकेला है इस दुनिया में, उसकी कोई मंजिल नहीं है, उसकी कोई प्रिय नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।